तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं हादसे में 28 साल के चालक की दबकर मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। क्रेन और ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर को सीधा कराकर चालक के शव को बाहर निकाला गया। वहीं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि रामपुर गांव निवासी मुक्ता प्रसाद पड़ोस के ही गांव हरहरा निवासी राम स्नेही का ट्रैक्टर चलाता था। वह ईंट भट्टे के लिए मिट्टी लेने नोनापुर के पास गया था। वहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। जब तक मुक्ता प्रसाद को बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं भोगनीपुर कोतवाल विनोद मिश्रा मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कोतवाल ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटने से हादसा होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजनों की तहरीर मिलने के बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।